दोस्तों, मानसून जाने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, और अगर आप लोगों ने इन पौधों की कटिंग नहीं ग्रो करी, जो कि आज मैं वीडियो में शेयर करने वाली हैं, तो आप लोग फटाफट से ग्रो कर लें। हालांकि ये सारे पौधे दोस्तों थोड़े से महंगे आते हैं, नर्सरी में लेने जाते हैं। अगर आपको आसपास रोड साइड या किसी के घर पे या पड़ोस में दिखते हैं कटिंग, तो उनसे आप कटिंग लेके फटाफट से ग्रो कर लें। कटिंग लगाने के लिए दोस्तों आप बस सैंड लीजिएगा, जो नॉर्मल सैंड रहती है उसमें लगा देंगे, 100% आपकी कटिंग लग जाएगी। और दोस्तों पूरे साल में हम इन सारे कटिंग को ग्रो करेंगे नहीं लगेगी, लेकिन जो मानसून का सीज़न होता है इनमें 100% कटिंग ग्रो हो जाती है। तो बिना देरी के दोस्तों आप लोग फटाफट से इन महंगे प्लांट की कटिंग आप लोग जरूर ग्रो करें, और वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को हमारे लाइक भी करना, शेयर भी करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हमारा है प्राइड ऑफ इंडिया, और ये रेड और वाइट में खिलते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही रिच कलर है। और यहाँ पे मैं इसकी कटिंग ले रही हूँ, देख सकते हैं इस तरीके से मैंने कटिंग ली हुई है। और यहाँ पे मैं सैंड सॉइल लिया हुआ, प्योर सैंड है। बारिश की वजह से दोस्तों ये भीगा हुआ है ना, तो आपको इस तरीके से लग रहा होगा। और मैं यहाँ पे दो कटिंग ली हुई इस तरीके से, ये है और प्लस ये है, तो दो कटिंग है। और मैं इसमें फंजीसाइड पाउडर लगा के कटिंग दोस्तों लगाऊंगी। और अगर मैं दोस्तों बात करूं बारिश के टाइम में ना, तो ये सारे पौधे ना बारिश के टाइम में बहुत ही अच्छे से लग जाते। देखिए यहाँ से इस तरीके से इनमें सिर्फ सैंड में इस तरीके से आपको गड़ा देना है, आराम से ये लग जाएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कटिंग लगाने की, एक यहाँ पे है, तो इसी तरीके से इसको भी मैं यहाँ पे मिट्टी के अंदर कर दूँगी। तो यहाँ पे दो कटिंग हमारी लग गई है, यानी कि प्राइड ऑफ इंडिया की। इसको सामनी के नाम से दोस्तों जाना जाता है, प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसमें इस तरीके से कलियाँ आती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो बिना देरी के आप इन्हें ज़रूर ग्रो करें। पानी दोस्तों इसमें ऑलरेडी नमी है, तो पानी में नहीं दूंगी, बस फंजीसाइड पाउडर वगैरह आप डाल के इन्हें लगा सकते हैं। आ रही इधर भी आ रही, इधर भी आ रही ना, तो इसकी भी तो कटिंग लगानी बनती है। मैंने गर्मी में भी ट्राई किया था, बस क्या था ना, थोड़ी सी कटिंग लगी नहीं, तो आज फिर से मैं ट्राई करती हूँ। थोड़ी सी मोटी स्टेम लूँगी, यहाँ से मैं ले रही हूँ स्टेम, देख सकते हो यहाँ से, तो ये बहुत ज़्यादा खुशबू देती। तो ये हाईब्रिड वाली वेराइटी है, तो थोड़ा सा ना अब मोटी है तो कट नहीं रही है। फिलहाल मैं ट्राई करती हूँ, तो ये फाइनली कट गई है। और ये हमारा है मधुकामनी, बहुत ही ज़्यादा खुशबू देता है। कटिंग मैंने इस तरीके से थोड़ी सी मैच्योर ली हुई है, तो चलिए लगाते हैं इनकी भी कटिंग, देख सकते हैं। और यहाँ पे ना देखिए एरियल रूट्स भी निकल रहे हैं, तो ये भी तो मतलब आसान है लगाना। चलिए लगाते हैं, तो ये मैं लगाऊँगी दोस्तों ग्रो बैग में। तो कटिंग यहाँ पर थोड़ी सी देख सकते हो इस तरीके से है, तो इनको मैं थोड़ा सा दो कर लेती हूँ यहाँ पर, हाँ इस तरीके से। देखिए इस तरीके से मैंने दो कर ली है, और मैं ऐसे ही लगाऊंगी दोस्तों, क्योंकि बारिश हो रही है ना तो लग जाएगी कंटिन्यू बारिश में लगातार। और भी दो क्या बोलूँ मैं, 10 या 15 मिनट हुआ बारिश रुके। और देखिए अगर इसमें लग जाएगी तो अच्छी बात है, फूल भी आ रहे हैं। और इस तरीके से कटिंग लगाना आसान रहता है बारिश में, कंटिन्यू बारिश होना, तो ये सारी कटिंग जरूर ग्रो करनी चाहिए आप लोगों को। और दोस्तों ये हमारा क्रोटोन का प्लांट है, तो इसकी फिलहाल मैंने कई बार कटिंग लगा ली है, आज फिर से मैं कटिंग लगाने जा रही हूँ। देख सकते हैं एक ये वाली वेराइटी है, एक इधर भी है, और मतलब ये वाला जो प्लांट है दोस्तों मैंने कटिंग से फिलहाल तैयार किया है, आज फिर से मैं लगाने जा रही हूँ इसकी कटिंग। तो देखिए यहाँ से मैं इनकी कटिंग लूँगी इस तरीके से, देख सकते हो ये, तो एक कटिंग मैंने ले ली है। चलिए मैं इन्हीं को लगाऊँगी फिलहाल, एक सोच रही और ले लेती हूँ मैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा कटिंग लगाएंगे ना उतने अच्छे से हमारा प्लांट ग्रो होने के चांस रहते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, प्लांट सक्सेस नहीं होता, तो एक सिंगल लीफ कटिंग काफ़ी, एक नीचे से मैं ले रही हूँ क्योंकि नीचे से ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से कटिंग ले रही हूँ दोस्तों, इसमें लगाऊंगी मैं, पहले भी लगाए थे बट वो चली नहीं। पत्तियाँ पहले यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर देना है, क्योंकि पत्तियाँ रहेंगी हवा चलेंगी बारिश में तो ख़राब हो सकती कटिंग। इस तरीके से हम यहाँ पर लगा देंगे, और ये भी वाली कटिंग लगा देंगे। पहले एक्स्ट्रा जो लीव्स हैं इनको हम निकाल दें, क्योंकि एक्स्ट्रा लीव्स अगर रही रहेंगी कटिंग जल्दी लगने के चांस रहते हैं। और इस तरीके से अगर पत्तियां रहती हिलती रहती हैं ना दोस्तों, तो कटिंग ख़राब होने के भी चांस रहते हैं। तो इस तरीके से हम इनको लगा देंगे। मिट्टी दोस्तों गीली है, बारिश अभी लगातार ही हो रही है मेरे यहाँ पर,
तो ये सारे पौधे इस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो कटिंग से। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों है जेट प्लांट, तो इनको भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। कटिंग अभी दोस्तों मैं दिखा दूँ तो बहुत अच्छे से लग गई है। इनके जड़ें बहुत ही जल्दी से डेवलप हो जाती, देख सकते हैं कितने अच्छे से इनकी जड़ें आई हुई हैं। इजी टू ग्रो प्लांट होता है, बहुत ही आसानी से लग जाती हैं। अगर आप लोगों को जेट प्लांट पसंद है तो इनकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। मैंने भी दोबारा लगा देती हूँ क्योंकि मुझे इसीलिए ये पौधे चाहिए। और मैंने अभी और भी कटिंग से दोस्तों पौधे इनके तैयार करे हैं। इस तरीके से मैंने छोटे से कप में लगाया हुआ है और मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने छोटे से जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है ना, 2-3 लीटर वाली, सॉरी जो होती है 250 ml वाली, वो सारे कंटेनर्स में मैंने ग्रो किए हुए हैं इस तरीके से जेट प्लांट को। तो आप भी लगा सकते हो, बहुत ही आराम से लगने वाले पौधे हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये हर श्रृंगार का प्लांट है, और हर श्रृंगार दोस्तों बहुत ही अच्छा खुशबूदार और इसको शुभ भी माना जाता है। अगर इन्हें अभी कटिंग से ग्रो करेंगे तो 100% आपकी कटिंग लग जाएगी। रेनी सीजन में दोस्तों इनकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है, बस मेच्योर स्टेम लीजिए थोड़ी सी, मतलब अगर नहीं भी रहेगी लेकिन जो जहाँ की कटिंग पॉइंट होती है वहाँ पर थोड़ा सा ब्राउन वाली स्टेम रहेगी ना, तो 100% लग जाएगी। तो ये प्लांट मेरे पास दोस्तों 3-4 साल से है। और क्या होता है कि जब विंटर सीजन आता है तो इनकी कंडीशन थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है, लेकिन जैसे गर्मी स्टार्ट होती है इनकी ग्रोथ भी होने लगती है। रेनी सीजन देख सकते हैं प्लांट बहुत ही हरा भरा है। इनको सीड से, कटिंग से, दोनों से ग्रो किया जा सकता है। इनकी पत्तियां, फूल, यहां तक कि इनकी जो स्टेम होती है दोस्तों मेडिसिन के काम आती है। बहुत सी ऐसी बीमारियां होती है, अगर इनको हम यूज़ करते हैं, फूल पत्तियों को बॉयल कर अगर पीते हैं तो हमारी बहुत सी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। तो आप इनको दोस्तों लगा सकते हैं। ये हरश्रृंगार और परिजात के नाम से दोस्तों जाना जाता है। तो अभी बिना देरी के झटपट से इनकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा प्लांट है ये हमारा हमेलिया का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इनकी पत्तियां दोस्तों देख ही रहेंगे थोड़ी सी रेडनेस है, तो रेडनेस वाली जो पत्तियां होती देखने में बहुत ही प्यारी लगती, ग्रीन और रेड अगर आता है तो। इनमें फिलहाल फ्लावर भी खिलते हैं रेड कलर का, जिनको फायर बुश और हमेलिया दोनों के नामों से जाना जाता है। कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। रेनी सीजन में दोस्तों अगर ग्रो करना चाहते हैं तभी बिल्कुल ग्रो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कटिंग ले रही हूँ। पत्तियाँ दोस्तों हटा देनी चाहिए क्योंकि पत्तियों से क्या होता है, अभी बारिश हो रही तो हवाएं भी चल रही है, अगर हवाएं चलेंगी हिलती रहेंगी कटिंग तो आपकी ख़राब हो सकती है, लगती भी नहीं, फंगस लगने के चांस है। तो हमारा यहाँ पे कोलियस का प्लांट है, यहाँ पे दोस्तों मैंने लगा दी है। बस इनको लगातार अगर पानी मिलता रहेगा तो कटिंग आपकी 100% सक्सेस हो जाएगी। ये असिस्टिया का प्लांट है और इसकी भी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। और देख सकते इसमें एरियल रूट्स इस तरीके से निकले हुए हैं, इसमें ना पर्पल कलर के फ्लावर्स खिलते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। देखिए यहाँ भी एरियल रूट्स हैं और इधर भी हैं। तो इनकी छोटी सी कटिंग क्या करना है, देखिए इस तरीके से, यहाँ भी देखिए एरियल रूट्स छोटे से निकले, इस तरीके से आप करोगे तो इस तरीके से टूट जाती हैं कटिंग। इस तरह आप मिट्टी में कोई भी सॉयल हो उसमें इस तरीके से आप गाड़ दीजिएगा, आराम से लग जाते हैं, बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट्स हैं। और फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करते हैं, अभी बारिश का टाइम है थोड़ी सी तो फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो ये बहुत अच्छे से फैल भी रहे हैं आप देख रहे हो। तो देखिए मैं ये भी कटिंग ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करूँगी। और मैं 30 रुपीज़ का लाई थी नर्सरी से, वो अभी बहुत अच्छे से चल रहा है, देखिए इस तरीके से एरियल रूट्स हैं। तो आपके पास भी अगर हो दोस्तों ये वाले पौधे तो कटिंग से आप लोग जरूर ग्रो करें, इजी टू ग्रो और इजी टू केयर प्लांट्स हैं। इस तरीके से छोटी छोटी कटिंग लग जाती है। तो असिस्टिया को भी आप जरूर अपने गार्डन में ऐड करें। आग चंपा है, देख सकते हैं अभी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है, ऊपर की टिप बंदरों ने तोड़ दी जिसकी वजह से इनकी जो ग्रोथ है अभी बहुत अच्छी, जगह जगह से देखिए इस तरीके से नए नए स्टैम्स निकल रही हैं, तो ये घना होता जा रहा है। तो अगर आपके पास नाग चंपा या फिर चंपा की कोई भी वैरायटी हो दोस्तों तो उनको कटिंग से आप जरूर लगाएं। बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर के फ्लावर्स खिल रहे हैं। कलियाँ फिलहाल अभी तो नहीं आ रही, लेकिन बहुत ही हैवी ब्लूमिंग वाले प्लांट्स जब आएंगे कलियाँ तो ज़रूर आप लोग के साथ मैं वीडियो शेयर करूँगी। और कटिंग आप छोटी सी स्टेम न्यू भी ले सकते हैं, ओल्ड भी कोई भी कटिंग लेंगे तो आसानी से लग जाते हैं। वैसे मैंने इनकी कटिंग जो भी लगाई हुई है ना बिल्कुल न्यू वाली कटिंग्स ली है और सारी की सारी 100% सक्सेस हुई है। तो अगर आपको इस तरीके के प्लांट पसंद है लगाना तो बिना देरी के झटपट से अपने गार्डन में ज़रूर कटिंग से लगाएं। ये हमारा वडेलिया का प्लांट है और इसको भी मैंने कटिंग से ही लगाया था, तो अभी कुछ ज़्यादा है इस तरीके से हैंग कर रहा है, तो मैं सोच रही थी इसको इस तरीके से यहाँ से तोड़ के ना मैं इसी में लगा दूँ और थोड़ा सा ना घना भी हो जाता है अगर हम लगाते हैं तो।
थोड़ा सा इसमें भी एरियल रूट्स दोस्तों निकलते हैं। देखिए इस तरीके से कटिंग लेंगे और मिट्टी में दबा देंगे आराम से। अभी नमी है, बारिश हो रही कंटिन्यू, तो दोस्तों इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। अगर लगातार बारिश हो रही है तो कटिंग आपकी जल्दी लग जाती है। एरियल रूट्स देख सकते किस तरीके से इसमें निकल रहे हैं, तो बिना देरी के झटपट से लगा सकते। अभी कलियाँ भी आना शुरू हो गई, इसमें फूल भी मैंने एक दो बार इसमें खिल चुके हैं। तो आप अगर इस तरीके के पौधे के शौकीन हैं तो झटपट से ज़रूर लगाएं। और हैंग करते हैं ना, बहुत ही प्यारे थे, मैंने हैंगिंग बास्केट में ही ग्रो किया हुआ है, तो बिना देरी के आप इन्हें भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। दोस्तों ये हमारा रेड वाला कनेर है और इसकी भी मैंने कटिंग लगानी, वैसे लग मैंने प्लांट ना कटिंग से ग्रो किया है और अभी मतलब लगातार बारिश हो रही है, तो देख सकते हैं इनकी कटिंग हमें किस तरीके से लेनी है। न्यू स्टेम भी चल जाते हैं, बिल्कुल न्यू नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी पुरानी हो, लेकिन इस तरीके की कटिंग मैंने लगाई हुई है दोस्तों, आप भी लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा पत्तियाँ हटा देनी चाहिए, इससे क्या होता है एक्स्ट्रा पत्तियाँ से आपकी कटिंग बिल्कुल नहीं हिलेगी, हवाएँ वगैरह चलेगी, या कभी कभी पानी जो होता है ना पत्तियों पर रुका रहता है तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है प्लांट, तो इस तरीके से पूरी क्लीन करनी। आप चाहे तो फंगीसाइड पाउडर या फिर कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी बारिश हो रही तो मैं ऐसे ही नॉर्मल सॉइल में लगा देती हूँ इस तरीके से। और इस तरीके से कटिंग दोस्तों 100% लग जाती है कि सैंड वाली सॉइल में लगाएंगे तो इसका रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने कनेर की कटिंग जो पिंक वाले हैं वो वाली मैंने लगाई है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों हमारा ये फॉक्सटेल फर्न है, तो ये फिलहाल अक्टूबर से लगता है, अभी लगा सकते हैं, बारिश हो रही है, अगर लगाएंगे तो प्लांट आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इनकी जो दोस्तों एक और वैरायटी होती है एस्पिगेरस होता है और थोड़े से डॉप वैरायटी में रहते हैं, उनको हैंगिंग भी, इसको भी ऐसे हैंगिंग में लगा सकते हैं, वो भी हैंगिंग में दोनों मतलब ट्यूबर से ही लगते हैं। अभी आप अगर इनको लगाना चाहते हैं ज़रूर लगा लीजिएगा, लग जाएगा। और यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ट्यूबर डाले थे, अभी देख सकते हैं 5-6 हो गए। छोटा सा मेरा 4 इंच का पॉट है, कितने अच्छे से लग रहा है आप देख ही रहे होंगे। तो इन्हें भी दोस्तों अपने गार्डन में ज़रूर लगाएंगे। एक बार अगर लग जाता है ना तो आपके पास ढेरों सारे इनके ट्यूबर से प्लांट डिवाइड होते रहते हैं, जो आप बना ही सकते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिएगा, अलग से खूबसूरती बिखेरता रहता है। छोटे से गमले में, हैंगिंग बास्केट में, बड़े से गमले में भी लग जाएगा। वैसे मैंने इसका जो मदर प्लांट है मैंने 7 इंच के गमले में लगाया हुआ है, बहुत अच्छे से चल रहा है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 पत्तियाँ डाली थी, अभी आप देख सकते हो कितने ढेरों सारे हो गए हैं। तो अगर आप ऐसे प्लांट पसंद है तो अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें कलेक्शन में। दोस्तों ये सारे प्लांट तो होने ही चाहिए जो कि बिना फूलों के भी खूबसूरत दिखते ही रहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो है दोस्तों कोलियस। तो कोलियस की कई वैरायटी होती है, मेरे पास फिलहाल 6 थी, गर्मी में ख़राब हो गई है, अब बची है मेरे पास 3। तो आप लोग झटपट से इनकी सारी भी कटिंग ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से लगने वाले पौधे हैं। और बारिश में तो दोस्तों लग ही जाते हैं, विंटर में भी आपका साथ देता है, और बस थोड़ा सा गर्मी में दिक्कत हो जाती है, बारिश में इनको बस ज़्यादा ओवर रोटिंग से बचाइएगा, आपका प्लांट हमेशा चलता ही रहता है। तो ये हमारा खूबसूरत सा कोलियस है दोस्तों, और इस तरीके से कलरफुल जो प्लांट्स होते हैं ना बारिश के टाइम में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अभी मैं बता दूँ मेरे गार्डन में ज़्यादा फूल बिल्कुल भी नहीं खिल रहे हैं, बस थोड़ा बहुत जो है 5-6 पौधे फ्लावरिंग कर रहे हैं, लेकिन ये सारे जितने कलरफुल वाले प्लांट हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे से गार्डन में हमारे अलग सा कलर ही लेकर आते हैं। तो इन्हें भी ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। थोड़े से गर्म नर्सरी में लेने जाते हैं ना कॉस्टली मिलते हैं, अगर गार्डन में आ जाते हैं तो फ्री का हो ही जाता है। तो कटिंग से हम लोग इनका मदर प्लांट छोटे छोटे पौधे तैयारी कर सकते हैं, तो बिना देरी के इन्हें भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। ये है दोस्तों हमारा मैक्सिकन पिटूनिया, जो कि बहुत अच्छे से हाइब्रिड वाला फिलहाल है, देसी वाला भी ब्लूमिंग करता है, ऐसा नहीं है कि बस हाइब्रिड ही ब्लूम करे, दोनों ही बहुत ही अच्छे से खिल रहा है। बहुत लोगों ने मेरे कमेंट वीडियो में कमेंट किया था कि मेरा मैक्सिकन पिटूनिया नहीं खिल रहा, लेकिन दोस्तों अभी अच्छे से खिल रहा होगा। आई होप आपकी जो शिकायत है ख़त्म हो गई होगी। तो बारिश के टाइम में कुछ पौधे ऐसे ही होते हैं जो कि बारिश में खिलते हैं, जैसे कि हमारा मोस रोज हो गया, या फिर मैक्सिकन पिटूनिया है, और भी कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे कि सदाबहार ना, देसी वाले सदाबहार अभी बहुत अच्छे से गार्डन में खिल रहे हैं। तो ये सारे पौधे होते हैं दोस्तों कि अभी ब्लूम करें बारिश के टाइम में। तो ये मैक्सिकन पिटूनिया है, इनको भी आप बिना देरी के जरूर अपने गार्डन में ऐड करें। नेक्स्ट हमारा यह है अजवाइन का प्लांट, यानी मैक्सिकन मिंट है दोस्तों, बहुत ही अच्छी खुशबू हमारे गार्डन में बिखेरती रहती है। और ये एक मेडिसिन प्लांट है,
और ये पेट के लिए, अगर हमारे सर में दर्द है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये लाभदायक होता है। तो कटिंग से इजली लग जाता है। और अभी मार्केट में लेने जाएंगे नर्सरी में, थोड़े से कॉस्टली मिलेंगे, लेकिन आप अगर एक बार ले आएंगे अपने घर में तो ढेर सारे हो ही जाएंगे। बस छोटी सी कटिंग लेके मिट्टी में दबा दीजिएगा, फिर देखिएगा कटिंग कितने अच्छे से ये चलता रहता है। तो मैक्सिकन मिंट को भी अपने गार्डन में दोस्तों ज़रूर ऐड करिएगा। इजी टू ग्रो प्लांट है, ज़्यादा कुछ केयर करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल मिट्टी में बस इनको लगा दीजिएगा, फिर देखिए कि आपकी कटिंग जो है कितनी अच्छे से सक्सेस होती है और फिर ढेर सारे हो ही जाएंगे। मैंने इनको एक प्लास्टिक के पॉट में लगाया हुआ था और भी बहुत सारा फैला हुआ कटिंग। दोस्तों ये तो कुछ ऐसे हमारे प्लांट जिनको अगर आप लोगों ने ये कटिंग नहीं लगाई है इस मानसून के सीज़न में या सावन में, तो आप लोग ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि अभी लगातार बारिश हो रही है। तो ये सारे कटिंग दोस्तों 100% सक्सेस हो जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा मिट्टी जो आपकी वो वेल ड्रेन हो, नॉर्मल सॉइल रहेगी तब भी चल जाएगी। लेकिन क्या होता है, नॉर्मल सॉइल जिसमें भी लगाते कटिंग ना, कि उसका ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, कितनी भी पानी उसमें भरे, बारिश का पानी बिल्कुल भी ना रुके, फिर देखिए कटिंग आपकी 100% ग्रो हो जाएगी। सो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप सभी को ज़रा सभी अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे न्यू है ना तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।